नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गार्डनिंग प्लेजर चैनल पर। आज मैं आपके साथ हूँ कैलाथिया ऑर्नाटा प्लांट के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत एक हाउस प्लांट है। इसे इंडोर रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इंडोर में आप इसे ड्राइंग रूम, टेबल या कहीं पर भी रख सकते हैं। इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती रहेगी तो ये अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा। धूप इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए धूप से इसे बचाना होगा। इसे 20 से 30 डिग्री तक के टेम्परेचर में रहना अच्छा लगता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में ये बहुत अच्छे से चलता है। बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए इसे कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि भले ही ये आसानी से लग जाता है लेकिन थोड़ा ये सेंसिटिव भी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ये लग ही नहीं पाता है, अच्छे से खराब हो जाता है। इसकी केयर में सिर्फ दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहला, मिट्टी। जब भी इसकी रिपोर्टिंग करें तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार करें। और दूसरा, इसका पानी का विशेष ध्यान रखना होगा हमें। पानी अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो ये प्लांट खराब हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले तैयार कर लेते हैं इसकी मिट्टी। मिट्टी ऐसी बनाएंगे कि गमले में पानी रुकने भी ना पाए और गर्मियों में इसमें थोड़ी सी नमी भी बनी रहे। इसके लिए इसमें 30% रेत, 30% सादा मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट, 10% कोकोपीट ऐड करेंगे और आधा चम्मच कोई भी एंटी फंगल इसमें ज़रूर मिला लें। मैंने इसमें साफ फंगिसाइड का यूज किया है, क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक और कॉन्टैक्ट दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है जो जड़ों में फंगस नहीं लगने देगा। इसमें मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उसमें लिंक दी हुई है, इस पर जाके देख सकते हैं। मिट्टी बनाने के बाद आप लेते हैं इसके लिए पॉट। तो सबसे बेस्ट इसके लिए होता है क्ले पॉट, क्योंकि इसमें इसे ख़राब होने की बहुत ही कम संभावना होती है। चूँकि मैं इसे डाइनिंग रूम में रखना चाह रही हूँ तो इसे सेरेमिक पॉट ही दूँगी। इसके लिए गमला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 2 से 3 फीट तक ही मैक्सिमम ये बड़ा होता है। जो भी पॉट लें इसका मुंह ऊपर से चौड़ा होना चाहिए ताकि इसे फैलने में कोई दिक्कत ना हो। इसकी जड़ें मोटी सी होती हैं और जल्दी ही फैलती हैं। पॉटिंग करते समय आप इसे देख लें कि जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, तो नीचे से थोड़ा कट करके फिर इसे रिपोर्ट करें। इसकी रूट्स इतनी तेज़ी से फैलती हैं कि अगर हमने छोटे पॉट में इसे लगाया है तो 1 से 2 साल में ही इसे रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोपगेट करने के लिए ना तो ये कटिंग से लगता है और ना ही इसके सीड्स आते हैं। साइड से इसमें छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, उन्हीं को हम अलग करके इसे लगाते हैं। इस तरह से ये देखिए मल्टीप्लाई होता रहता है। और अब करते हैं इसकी वाटरिंग की बात। सीजन के हिसाब से ही हम इसमें पानी देंगे। गर्मियों में पॉट की मिट्टी में केवल नमी बनी रहे इतना ही पानी देंगे, लेकिन पत्तों पर रेगुलर सादा पानी का स्प्रे करते रहेंगे तो गर्मियों में भी अच्छे से बचा रहेगा। ज़्यादा गर्मी से बचाने के लिए इसके नीचे एक प्लेट में पानी भरकर थोड़ी सी रेत डालकर रख देंगे, इससे प्लांट में ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। और ज़्यादा सर्दियों में जब मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए तभी पानी देंगे। इस तरह से मिट्टी की केवल ऊपरी लेयर ही सूखने पाए, लीव्स पर धूल मिट्टी न जमने पाए। सर्दियों में अगर बार बार हम पत्तियों को धुलेंगे तो पॉट में पानी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए गीले कपड़े या किसी कॉटन से इनको साफ करते हैं। इससे क्या होगा कि पत्तियों के टिप ये ऊपर से पीले पड़ जाते हैं, किनारे से सूखने लगते हैं, या पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं, तो वो समस्या नहीं आएगी। फर्टिलाइज़र की ज़्यादा डिमांड नहीं करता है, तो 2 से 3 महीने में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट इसमें डालते रहें और 1 से 1.5 महीने में NPK 2020 या 1919 आधा चम्मच 1 लीटर पानी मिलाकर पॉट के साइज के हिसाब से जितने पानी की ज़रूरत हो उतना ही दे दें। महीने में एक बार फंगिसाइड का स्प्रे करते रहें। ये बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव प्लांट है, तो बस थोड़ी सी केयर के साथ लंबे समय तक आप इसे अपने साथ रख सकते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।